नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भौगोली ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आजकल जो मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है, यूपी बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कराई जाएं कि नहीं कराई जाएं, इसके विषय में बहुत से लोगों का मानना है कि जो परीक्षाएं कराई जाएं, और बच्चों का काफ़ी हद तक कहना है, और क्योंकि ये साल बहुत ही पैंडमिक वर्ष चल रहा है, इसमें हमारे हिसाब से परीक्षाएँ जो है बच्चों को प्रमोट किया जाए इस साल, क्योंकि ये साल बहुत ही ख़तरनाक है और इस समय परीक्षाएं करवाना संभव नहीं है सरकार के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। और हम लोग जानते हैं, एक बच्चे से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, बताइए आप। इस बार तो कैंसिल के बोर्ड परीक्षा रद्द ही कर देनी चाहिए, बिकॉज इस पेंडेमिक सिचुएशन में हर एक बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। 2-1.5 साल से ज़्यादा हम लोगों की क्लास चली है, उसके बाद भी हम लोग कोई वो नहीं है कि बोर्ड नहीं बता रहा कि पेपर होंगे नहीं होंगे, कैंसिल होंगे क्या होंगे, उसके बाद भी। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ऐसे मुंह में पट्टी बांधे हैं कि जैसे उनको कुछ पता ही नहीं। आजकल हर दूसरे तीसरे दिन ट्विटर में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर इतने लापरवाह हो गए कि उनको कोई मतलब ही नहीं है। और अदर चाहिए, इससे क्या खामियां, अगर परीक्षा कराई जाती तो इससे क्या दिक्कत हो सकती है? इससे संक्रमण बढ़ने की ज्यादा दिक्कत होगी। बच्चा पेपर देने जाएगा, रास्ते में किसी को टच करेगा, हाँ, किसी को नहीं करेगा, उसके बाद तीसरी लहर को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। ये तो इस वजह से जो है उसके बाद संक्रमण बच्चे से घर आएगा, घर से पेरेंट्सों को आएगा, पेरेंट्स को आएगा। ये आपका मानना है कि इससे बच्चों में जो तीसरी लहर है उसमें जो है ज़्यादा, ये अगर परीक्षाएं होती हैं तो ज़्यादा भागीदारी रहेगी, दिक्कत होगी, तो इसलिए आप चाहते हैं कि जो है परीक्षा रद्द हो प्रमोट की जाए। प्रमोट की जाए। चलो, थैंक यू।